पांचवी लकीर, ये जो पांचवी लकीर है ये सबसे ऊपर होती है, जहां बाल शुरू होते हैं ना, तकरीबन उसके आसपास होती है। ये पांचवी लकीर ये बताती है कि आपके माथे में बहुत सारी लकीरें हैं, धन की भी है, स्वास्थ्य की भी है, भाग्य की भी है, संघर्ष की भी है, और पांचवी लकीर भी है। इसका मतलब ये है कि आपके माथे में बहुत सारी लकीरें हैं, और इस तरह की ढेर सारी लकीरें व्यक्ति को चिंतित रखती हैं। कितनी भी सफलता और संपन्नता क्यों ना हो, व्यक्ति को किसी न किसी कारण से चिंता बनी रहती है। बहुत सारी महिलाओं को आप देखेंगे कि महिलाओं के जो आगे के बाल होते हैं ना, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ चोंच की तरह निकले होते हैं। वो जिस लकीर को टच करते हैं वो पांचवीं लकीर होती है, और जिन महिलाओं के आगे के बाल थोड़ा चोंच की तरह निकले होते हैं, लगता है सिंदूर लगा हुआ है, थोड़े चोंच की तरह निकले होते हैं, ऐसी महिलाओं को जीवन में वैवाहिक सुख नहीं मिलता, और जीवन में चिंताएं बहुत ज्यादा होती हैं, टेंशन बहुत होते हैं। अगर पुरुष के माथे में भी ये लकीर है तो चिंता बहुत होती है, और महिला के माथे में लकीर है तो वैवाहिक जीवन बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही चिंता उनके दिमाग में बन जाती है। सफलता तो बन सकती है जीवन में, हो सकता है आप बहुत पैसे कमा लें, आपकी शादी बड़े संपन्न परिवार में हो जाए, आपका नाम और यश बहुत हो, लेकिन बावजूद इसके किसी न किसी कारण से चिंता बनी रहती है। ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग कभी कभी सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके वैराग्य की तरफ चले जाते हैं, यानी सब कुछ छोड़ देते हैं और सन्यासी हो जाते हैं। इतनी जीवन में परेशानियां होती हैं कि उन्हें लगता है कि पहले हम यही जान लें कि जीवन का सत्य क्या है, और सत्य जानने के लिए कभी कभी ऐसे लोग वैराग्य की तरफ चले जाते हैं, ऐसा दिखाई देता है। ये जो छठवीं लकीर होती है, ये नाक की सीध में बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती है, स्ट्रेट, ऐसे जैसे तिलक लगाते हैं हम, और ये दैवीय लकीर होती है, डिवाइन लकीर होती है। ऐसी लकीर ये बताती है कि जिस व्यक्ति के माथे में है वो व्यक्ति पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से बंधा हुआ है, और इसके ऊपर दैवीय कृपा है, इसके ऊपर ईश्वर की कृपा है। आम तौर पर ऐसी लकीर वाले लोग अचानक से आश्चर्यजनक रूप से उन्नति कर जाते हैं, अचानक से जीवन में रातों रात बहुत सफल हो जाते हैं, रातों रात उन्हें सफलता आकस्मिक रूप से मिल जाती है, और ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अब ये जानते हैं कि माथे की जो लकीरें हैं, मान लिया निगेटिव है, मान लिया बुरी है, रेखा टूटी हुई है, रेखा उलझी हुई है, रेखा दुबली पतली है, यानी अगर माथे की रेखाएं अच्छी नहीं हैं, अशुभ हैं, तो क्या करना चाहिए? सुबह स्नान करके चंदन की तीन सीधी लकीरें माथे पे लगाएं, तीन उंगली है ना, उससे तीन चंदन की सीधी लकीरें लगाएं, जिसको त्रिपुंड कहते हैं, या रोली या लाल चंदन का एक तिलक लगाएं जो ऊपर की तरफ सीधे जाता हो, या तो त्रिपुंड लगाएं या तो एक तिलक लगाएं रोली या चंदन का जो सीधे ऊपर की तरफ जाता हो। दूसरी बात, कभी भी ऐसे बाल न रखें जिससे आपका माथा ढक जाता हो, क्योंकि माथा ढकने वाले जो बाल होते हैं वो भाग्य को कमजोर करते हैं। माथे पर टैटू या ऊट पटांग आकृतियां ना बनवाएं। कभी टैटू के विषय में बात करेंगे कि टैटू कितना ज्यादा हानिकारक होता है, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अपने माथे पर या माथे के आसपास उल्टे सीधे टैटू या ऊट पटांग आकृतियां ना बनवाएं। एक बात और जान लीजिए कि बाल चेहरे पे ना आए, बड़ी अच्छी बात है, चेहरे पे तिलक लगाते हैं, बड़ी सुंदर सी बात है, लेकिन कोशिश करें कि जब भी आपको पसीना हो तो आप अपने उंगली से ऐसे करके पसीना ना फेंकें। जो लोग बार बार अपने हाथों से ऐसे करके पसीना फेंकते हैं या बार बार पसीने को खींचते हैं अपनी उंगलियों से और ज़मीन पर फेंकते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देता।
इसलिए अगर माथे पर पसीना आ रहा है तो रुमाल से या टिश्यू पेपर से पोंछें, उसको हाथ से खींच करके फेंकने की कोशिश ना करें। तो माथे की लकीरें बड़ी अहम होती हैं, और अगर आप माथे की लकीरों को पढ़ना जानते हैं, कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसका जीवन जानने में, अगर आप उसके माथे की लकीरों को जान पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं।